नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 66% मतदान। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार में तेजी, पांचवें चरण के लिए नामांकन समाप्त। सरकार ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर होने वाला व्यापार आज से बंद किया। उत्तर कोरिया ने अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को परमाणु वार्ता से हटाने की मांग की। आज गुड फ्राइडे है, इसी दिन ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया था। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस दिल्ली कैपिटल्स को 40 रन से हराकर अंक तालिका में दूसरे स्थान पर। समाचार प्रभात के साथ मैं लवली निगम। लोकसभा के दूसरे चरण के चुनाव में कल सामान्य और सामान्य से अधिक मतदान हुआ। औसतन 66% मतदान की खबर है। वरिष्ठ निर्वाचन उपायुक्त उमेश सिन्हा ने बताया कि 11 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 95 निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्ण रहा। The voters came out in large number to cast their vote for their country. The polling was conducted peacefully, barring sporadic incidents in different parts of the poll going state. श्री सिन्हा ने कहा कि पुडुचेरी में सबसे अधिक 78% मतदान हुआ। उसके बाद पश्चिम बंगाल का नंबर रहा, जहां लगभग 76% लोगों ने वोट डाले। मणिपुर में लगभग 74%, असम में 73%, तमिलनाडु में 72%, छत्तीसगढ़ में 71%, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में 62%, जम्मू कश्मीर में 43%, कर्नाटक में 62% और बिहार में 63% लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ओडिशा में लोकसभा और विधानसभा दोनों ही चुनावों में 64% मतदान दर्ज किया गया। लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण का प्रचार अभियान जोर पकड़ने लगा है। इस चरण में 13 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में 116 लोकसभा सीटों के लिए 23 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। इस बीच पांचवें चरण के लिए नामांकन पत्र भरने का कल आखिरी दिन था। इस चरण में 7 राज्यों में 51 निर्वाचन क्षेत्रों में 6 मई को वोट डाले जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच कल होगी और सोमवार तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। उत्तर प्रदेश में लगभग 25 साल बाद आज मैनपुरी में समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव और बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती एक ही मंच से रैली को संबोधित करेंगी। मैनपुरी से गठबंधन के उम्मीदवार के रूप में मुलायम सिंह यादव चुनाव लड़ रहे हैं। एक रिपोर्ट। बसपा प्रमुख मायावती मैनपुरी से गठबंधन प्रत्याशी और समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता मुलायम सिंह यादव के लिए वोट मांगेंगी। इस रैली में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल प्रमुख अजीत सिंह भी मौजूद होंगे। दोपहर बाद मायावती और अखिलेश बरेली जिले की आंवला सीट से गठबंधन प्रत्याशी रुचि वीरा के पक्ष में भी रैली को संबोधित करेंगे। वरिष्ठ भाजपा नेता और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज चुनावी अभियान फिर से शुरू करेंगे। कांग्रेस महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा भी आज कानपुर में पार्टी प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल के समर्थन में रोड शो करेंगी। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज गुजरात में चुनाव रैलियों को संबोधित करेंगे। राज्य में चुनाव प्रचार के लिए केवल 2 दिन और बचे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। भाजपा और कांग्रेस के शीर्ष नेता आज भी गुजरात में चुनाव प्रचार करने वाले हैं। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह आज छोटा उदयपुर के बोडेली में और वलसाड़ के धर्मपुर में चुनाव सभा को संबोधित करेंगे, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज दूसरे दिन बारडोली के बाजीपुरा में जनसभा करने वाले हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता विनय कटियार और पार्टी के सांसद और फिल्म कलाकार परेश रावल भी राज्य के विभिन्न हिस्सों में चुनाव सभाएं करने वाले हैं, जबकि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए आज अहमदाबाद में है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी आज गुजरात में चुनाव प्रचार के बाद कर्नाटक में रायचूर और चिकोडी में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर में कल लद्दाख संसदीय क्षेत्र के लिए 8 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए। लद्दाख देश का सबसे दुर्गम संसदीय क्षेत्रों में से एक है। ये संसदीय क्षेत्र पाकिस्तान और चीन के साथ 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बीच 65,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। निर्वाचन आयोग ने बिहार में जमुई संसदीय क्षेत्र के एक मतदान केंद्र पर 20 अप्रैल को फिर से वोट डाले जाने का आदेश दिया है। मुख्य चुनाव अधिकारी एचआर श्रीनिवास ने बताया कि इस निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 232 पर 11 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के दौरान इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को नुकसान पहुंचाया गया था। मध्य प्रदेश के मुख्य चुनाव अधिकारी ने कांग्रेस पार्टी के चौकीदार पर केंद्रित विज्ञापन के प्रकाशन और प्रसारण पर रोक लगा दी है।
संयुक्त मुख्य चुनाव अधिकारी राजेश कौल ने कहा है कि मीडिया प्रमाणन और निरीक्षण समिति ने इस विज्ञापन के लिए जारी प्रमाण पत्र रद्द कर दिया है, इसलिए राज्य भर में इस विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने की सभी जिलाधिकारियों को सूचना जारी कर दी गई है। निर्वाचन आयोग ने भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को चेतावनी दी है कि वे राजनीतिक प्रचार के लिए रक्षा बलों का उल्लेख करने से बचे। इस महीने की 3 तारीख को उत्तर प्रदेश में रामपुर में जनसभा के दौरान श्री नकवी द्वारा की गई टिप्पणी को देखते हुए ये चेतावनी दी गई है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आम चुनाव से संबंधित विशेष चर्चा जनादेश 2019 प्रसारित कर रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर प्रतिदिन शाम 4:05 से 4:30 तक सुना जा सकता है। सरकार ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर होने वाला व्यापार आज से बंद किए जाने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। सरकार ने यह निर्णय इन खबरों के बाद लिया है कि पाकिस्तान स्थित कुछ तत्व अवैध हथियार, नशीले पदार्थ और फर्जी करेंसी की तस्करी के लिए नियंत्रण रेखा के पार के व्यापार मार्गों का दुरुपयोग कर रहे हैं। एक रिपोर्ट। मंत्रालय ने कहा है कि नियंत्रण रेखा पर व्यापार का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जा रहा है। धूर्त और राष्ट्र विरोधी तत्व व्यापार के नाम पर इस मार्ग का इस्तेमाल हवाला के जरिए पैसा भेजने तथा मादक पदार्थों और हथियारों को पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। नियंत्रण रेखा पर होने वाले व्यापार का उद्देश्य जम्मू कश्मीर में दोनों ओर की स्थानीय आबादी के बीच आम इस्तेमाल की वस्तुओं के लेन देन को सरल बनाना है। शीला की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में व्यापारियों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने कहा है कि व्यापारी भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में किए गए विभिन्न वायदों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। निर्वाचन आयोग आज उच्चतम न्यायालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बनी फिल्म पर पाबंदी जारी रखने के बारे में रिपोर्ट सौंपेगा। निर्वाचन उपायुक्त उमेश सिन्हा ने नई दिल्ली में बताया कि आयोग पूरे भारत में इस फिल्म की रिलीज पर पाबंदी को लेकर अपने विचार सीलबंद लिफाफे में उच्चतम न्यायालय को सौंपेगा। निर्वाचन आयोग ने उच्चतम न्यायालय के आदेश पर कल ये फिल्म देखी। न्यायालय निर्वाचन आयोग की रिपोर्ट पर विचार करेगा और 22 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई करेगा। आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर बनी कथित फिल्म बाघिनी पर रिपोर्ट मांगी है। ये फिल्म 3 मई को रिलीज की जानी है। भाजपा ने चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक फिल्म के रिलीज होने पर रोक लगाने की मांग की और निर्वाचन आयोग से तृणमूल कांग्रेस प्रमुख पर बनी कथित बायोपिक की समीक्षा करने को कहा था। उत्तर कोरिया ने परमाणु वार्ता से अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को हटाने की मांग की है। उत्तर कोरिया के नए किस्म के विशेष हथियारों के परीक्षण के बाद ये मांग की गई। उत्तर कोरिया ने लगभग 6 महीने में यह परीक्षण किया। उत्तर कोरिया विदेश मंत्रालय ने अमरीकी मामलों के महानिदेशक कोन जोंगुंग ने पोम्पियो पर वार्ता के लिए उत्तर कोरिया की आवश्यकताओं को गलत तरीके से प्रस्तुत करने का आरोप लगाया है। जयदीप सरकार दक्षिण अफ्रीका में भारत के अगले उच्चायुक्त होंगे। विदेश मंत्रालय ने दिल्ली में बताया कि श्री सरकार जल्दी ही पदभार संभालेंगे। सरकार ने सुहेल एजाज खान को लेबनान में अगला राजदूत नियुक्त किया है। इस समय सुहेल सऊदी अरब में भारतीय मिशन के उप प्रमुख हैं। अफगानिस्तान में पहली बार सरकारी अधिकारियों और तालिबान के बीच होने वाली शांति वार्ता का पहला चरण अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। वार्ता में शामिल होने वालों के नाम पर सहमति नहीं बन सकने के स्थगन का कारण बताया जा रहा है। इस वार्ता को अफगान टू अफगान पीस टॉक कहा जा रहा है। पश्चिमी अफ्रीकी देश माली के प्रधानमंत्री सोमेलो बाबे मेगा ने देश में हिंसा पर काबू पाने में विफल रहने के मुद्दे पर संसद में लाया गया अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने के बाद त्यागपत्र दे दिया है। राष्ट्रपति कार्यालय के अनुसार राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है। प्रभु ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाए जाने की याद में गुड फ्राइडे आज पूरे विश्व में श्रद्धापूर्वक मनाया जा रहा है। मान्यता है कि सलीब पर चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद प्रभु यीशु जीवित हो गए थे। रविवार को जीसस क्राइस्ट के पुनर्जीवित होने को ईस्टर संडे के रूप में मनाया जाता है। गुड फ्राइडे को होली फ्राइडे, ग्रेट फ्राइडे, ब्लैक फ्राइडे और ईस्टर फ्राइडे भी कहा जाता है।
गोवा में भी आज गुड फ्राइडे श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। गोवा में सभी प्रमुख गिरजाघरों में विशेष प्रार्थनाएं आयोजित की गई हैं। पुराने गोवा में बेसिलिका ऑफ बोम जीसस और पणजी में आर लेडी ऑफ द इमुकुलेट कंसेप्शन चर्च तथा डॉन बॉस्को मैदान में बड़ी संख्या में श्रद्धालु सामूहिक प्रार्थना सभाओं में भाग ले रहे हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पणजी चर्च चौक पर वे ऑफ द क्रॉस में भाग लेते हैं। कोंकणी भाषा में पादरी ईसा मसीहा की यातनाओं का वर्णन करते हैं। इस समारोह में ईसा मसीहा को सलीब पर चढ़ाने के दृश्य का मंचन भी किया जाता है। यीशु के लकड़ी के क्रॉस को उठाने वाली तस्वीर जुलूस में लाई जाती है। दक्षिणी गोवा के सालकेत तालुका में गुड फ्राइडे के कई कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। मुख्य कार्यक्रम मडगांव में मोती हिल पर पेदात साइबन चैपल में आयोजित किया जाता है। आकाशवाणी गोवा से मुकेश थाली और साइकित सरकार की रिपोर्ट साथ समाचार कक्ष से नवीन सक्सेना। नई दिल्ली में कल आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 40 रन से हरा दिया। जीत के लिए 169 रन के लक्ष्य के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स 9 विकेट पर 128 रन ही बना सका। इससे पहले मुंबई इंडियंस ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया था। आज कोलकाता में कोलकाता नाइट राइडर्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर से होगा। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में आज लुधियाना में पंजाब का मुकाबला गोवा से जबकि सर्विसेज का कर्नाटक से होगा। जोनल मुकाबले में क्वालिफाई करने के बाद 10 टीमों ने फाइनल में जगह बनाई थी। फाइनल रविवार को खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार। धन्यवाद लवलीन। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए कल हुए मतदान की खबरें सभी अखबारों में अलग अलग शीर्षक से हैं। हिंदुस्तान ने लिखा है, उत्तर से दक्षिण तक जमकर बरसे वोट, अब तक एक तिहाई संसदीय क्षेत्रों का फैसला सुरक्षित। दैनिक जागरण की सुर्खी है, दूसरे चरण में दिखा जोश। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, गूगल ने फिर डूडल बनाकर वोटरों को किया प्रेरित। दैनिक भास्कर ने इलेक्शन खास शीर्षक से लिखा है, चुनाव में जहां शिक्षकों की ड्यूटी वहां कम गलतियां। सरकार का ये फैसला कि नियंत्रण रेखा के उस पार से नहीं होगा कोई कारोबार, जनसत्ता सहित सभी अखबारों में है। पत्र ने लिखा है कि भारत का पाकिस्तान के खिलाफ सख्त रुख, गृह मंत्रालय का आदेश लागू। नवभारत टाइम्स को लगता है कि इलेक्शन के बीच पाकिस्तान पर चाबुक। कर्ज जुटाने की कोशिश में लगे पाकिस्तान के वित्त मंत्री असद उमर के इस्तीफे की खबर दैनिक जागरण सहित कई अखबारों में है। पत्रों ने बताया है कि बिगड़ती अर्थव्यवस्था के बीच कर्ज जुटाने की नीतियों के कारण उनकी आलोचना हो रही थी। नकदी के संकट से जूझ रहे जेट एयरवेज के निवेशकों ने बैंकों से कहा, 80% कर्ज माफ करो। इकोनॉमिक टाइम्स की पहली खबर है। डीजीसीए का ये सुझाव कि ऐसी योजना पेश करें कि उड़ान भर सके जेट एयरवेज, जनसत्ता की सुर्खी है। नवभारत टाइम्स का कहना है, जेट एयरवेज की लैंडिंग से हजारों सपने क्रैश। दिल्ली में पहली बार सौर ऊर्जा से दौड़ी मेट्रो को अमर उजाला ने उपलब्धि बताते हुए लिखा है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से केंद्रीय सचिवालय तक मेट्रो चलाई गई, बिजली की लागत कम करना मकसद। जस्ट डायल से लीक हो गए 10 करोड़ लोगों के डेटा, राजस्थान पत्रिका में है। पत्र ने इसे निजता में सेंध मानते हुए आगे लिखा है कि फेसबुक की गलती से 15 लाख ईमेल भी लीक हुए। नेपाल ने अंबिका से लॉन्च किया अपना पहला सैटेलाइट, दैनिक जागरण में सचित्र है। पत्र ने लिखा है, ये सैटेलाइट भौगोलिक जानकारी एकत्र करने के लिए नियमित रूप से तस्वीरें भेजेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 66% मतदान हुआ है। तीसरे चरण के चुनाव प्रचार में तेजी आ गई है। पांचवें चरण के लिए नामांकन समाप्त हो गया है। सरकार ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर होने वाला व्यापार आज से बंद कर दिया है। उत्तर कोरिया में अमरीकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो को परमाणु वार्ता से हटाने की मांग की गई है। आज गुड फ्राइडे है, इसी दिन ईसा मसीह को सलीब पर चढ़ाया गया था। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।